तो हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देख के गेस कर लिया होगा कि किस चीज़ पे वीडियो है। तो अभी हम लोग आए यमा R15 की सेकंड सर्विस कराने, जो कि अंशु की बाइक है R15M 16 एनिवर्सरी एडिशन। तो चलते हैं कि क्या क्या सर्विस में लगता है और कितना पैसा पड़ेगा, क्या है फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और क्या क्या चीज़ें आपको करानी चाहिए यहाँ से, क्या क्या नहीं करानी चाहिए। तो पीछे खड़ी अपनी लाला यहाँ पर खड़ी कर दी है, तो चलते हैं अंशु की सर्विस देखते हैं और जो जो चीज़ें चेंज होंगी वो सब भी बताएंगे आपको, दिखाएंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अंदर। चलते वॉश करी जा रही है गाड़ी, तो वॉश होने देते हैं और फिर दिखाते हैं। और काफ़ी बढ़िया सुंदर गाड़ी हो जाएगी आप वॉश करके, तो पहले वॉशिंग करा लेते हैं फिर जो जो चेंजेस होंगे वो सब दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं अपनी वहाँ पर लग चुकी है आराम से नीचो रैम। उधर को भी दिखा दो यार, ये बैठा हूँ ना इसका बस खुश। देखो ऑयल फिल्टर अभी चेंज हुआ है और ऑयल भी अभी चेंज हो जाएगा, बाकी जो सर्विस होनी होगी हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी। बढ़िया, ये देखो कवर भी लग गया है उसका, एक नंबर। सर्विस हो चुकी है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अभी जैसे बिल आता है फिर आपको दिखाते हैं धीमे धीमे, तो देख सकते हैं। तो गाइस सर्विसिंग हो चुकी है और बहुत ही जल्दी सर्विस कर दी, मेरे को ये अच्छा समझ नहीं आया कि मतलब 5-6 मिनट में पूरी सर्विसिंग हो गई भाई। तो अभी हम लोग नंबर प्लेट के लिए आते हैं, नंबर प्लेट भेजते अपनी। नंबर प्लेट भी आ चुकी है UP32NE03, आगे का नहीं दिखा रहे अभी, तो कुछ दिनों में लगवा भी लेंगे यहीं से आके। काफ़ी चीज़ें बता दी गई भाई, मतलब बेकार लगा यार थोड़ा, 2 मिनट हुआ गाड़ी को लगाया खाली इसमें से, और खाली इसका ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है और ऑयल इंजन ऑयल चेंज किया है, बाकी डिस्क देखी या नहीं देखी वो पता नहीं बट, और बाकी तो कुछ नहीं, ब्रेक ब्रेक देखा है। अब बता रहे कि थर्ड सर्विस में जब आओगे तब इसका टंकी खोलेंगे और सब चीज़ करेंगे, तो देखते हैं भाई क्या होता है, थर्ड सर्विस भी देख लेंगे, बने रहना बस। भाई देख ले हो, अब ये कर रहे हैं भाई खाली सफाई, मैं पूरा रोस्ट कर रहा हूँ भाई वीडियो में भाई, मतलब मेरे को वो सर्टिफाइज नहीं मिला जो मतलब मैं चाहता था कि हमारा R15 सर्टिफाइज करके देगी, मतलब 5 मिनट में गाड़ी की सर्विसिंग ख़त्म इतनी जल्दी, और कैसे यार समझ नहीं आता यार, मेरी स्कूटी में आधा 2-4 घंटे लग जाते था। देखते भाई यार जो ये देख सकते हो, भाई देख रहे हो क्लीनिंग भी नहीं सही, और टायर पूरे गंदे लग रहे हैं भाई। सर्टिफिकेशन भाई मिली नहीं जो मेरा चाहता था कि यार सर्टिफाइड होके जाऊँगा यार यहाँ से, यार थोड़ा तो सर्विस में कुछ करो। स्पीड देखो भाई, ये नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल कैसे कर रहा था, रगड़े ऐसे लगती है। इसको शाइन कहते हैं, इसको शाइन कहते हैं, ऐसे चमक आ चुकी, चमक आ गई, सब कुछ सर्विस कॉस्ट पड़ी है। इंजन ऑयल का लिए 530 रुपये, 247 रुपये इस चीज़ का लिए ऑयल, वो ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर का, और इनका लेट भी कुछ लिए हैं, कितना लिए 141 रुपये, 141 रुपये इन्होंने मतलब लेट सेकंड सर, महीना लेट हुआ है तो उसका पैसा ले लिया भाई। बहुत बढ़िया भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे को सर्टिफिकेशन मिली नहीं कुछ, तो भाई देखते हैं अभी। बैठा 920 रुपये का, 918, तो भाई मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिली, मैं तो बेकार, मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट, तो चलते बाहर फिर बताते हैं आपको। ये खड़ी है गाड़ी सर्विस होके, तो भाई ये कुछ गाड़ी दिख रही है मतलब सर्विस के बाद, और लगा दी है तो निकलते हैं अभी। और अंशु गया रेटिंग करने, वरना अगर मेरे से रेटिंग मांगी जाती तो मैं 5 से जानते ही हो मेरा, मतलब जैसे वीडियो देख के आपको लग ही रहा होगा तो क्या रेटिंग होती। गाड़ी अच्छी चमक गई भाई, मतलब थोड़ी बहुत सही लग रही है अपनी लैला, उससे ज़्यादा चमक रही है, मैं अपने आप धुलते हैं। तो चलते हैं अभी यहाँ से, और आयो भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलता है सबको नेक्स्ट वीडियो में।